आमतौर पर लोग जहां पर अपना जन्मदिन मनाते हैं तो दूसरी ओर मुंबई के बोरीवली के सी भवन गुजराती सोसाइटी के रहिवासी कौशिक पंचोली ने अपने बेटे समान कुत्ते वीरू भाई कौशिक पंचोली का 10वां जन्मदिन सोसाइटी के रहिवासियों के साथ बड़ी धूमधाम से मनाया। आपको बता दें कि इस मौके पर तकरीबन 300 लोगों की खान पान की व्यवस्था भी की गई थी और सभी सोसाइटी के लोगों ने वीरू भाई के जन्मदिन के मौके पर जमकर खुशियां मनाकर इजहार किया और वीरू के लंबी आयु की मंगल कामना भी की। इस मौके पर वीरू के पिता कौशिक पंचोली, वीरू और उनकी फैमिली के लोगों ने क्या कुछ कहा, इस पर देखिए खबर इंडिया की खास रिपोर्ट। वीरू भाई अपना एक महीने से जब से बच्चा था बेंगलोर से मैं लाया था तब से मेरे साथ में, आज 10 साल हुआ वीरू भाई को, तो अपना परिवार का सदस्य ही है तो उसको आज 10 साल पूरा हुआ। वो खुशी में हम हर साल इसका बर्थडे मनाते हैं लेकिन आज 10 साल का कुछ ज्यादा था, वो हिसाब से वीरू भाई का बर्थडे है आज 10 साल हुआ इसलिए मना रहे हैं कि हमारी पूरी सोसाइटी में पूरा सहयोग है कि वो हिसाब से वीरू भाई को भी सबका लाडला है और आज पूरी सोसाइटी है, परिवार वाले हैं, सब मिलके खाना खाएंगे और एक बच्चे की तरह हम लोग ने पाला है तो वो हिसाब से हमारे साथ में हमेशा रहता ही है और उसका ही आज हम बर्थडे मना रहे हैं। बीएमसी में परमिशन नहीं है, नहीं तो वीरू भाई कौशिक पंचोली ऑलरेडी लिखा हुआ है हर जगह, इसका भी मेडिकल का जो फाइल है उसमें भी वीरू भाई कौशिक पंचोली लिखा हुआ है। ये अपना बेटा है, बेटे का नाम तो लगेगा ही ना, बाप का नाम तो आएगा ही बेटे के आगे। ये सिर्फ मेरा बेटा नहीं है, सोसाइटी के बच्चे लोग है जितने भी, उसका एक खास दोस्त है, सब बच्चे इसके साथ में दिन रात खेलते रहते है। 2 साल का बच्चे से लेके 80 साल का बूढ़ा भी इनके साथ में घुल मिल गए। बचपन से जो माहौल में रहा है वो हिसाब से उसका एटीट्यूड भी गुजराती है, उसका लैंग्वेज समझना भी गुजराती है, गुजराती बोलो तो ही समझ में आता है, बाकी कोई चीज समझता नहीं। वो खाने पीने में इसका अलग ही आदमी है, अलग ही खाना, चिकन वगैरह हम देते हैं दिन में एक ही बार लेकिन वो अलग ही आदमी है। हम ब्राह्मण है पर इसका हम खाना छोड़ नहीं सकते तो उसको हम खिलाते हैं। यही नाम से फेमस है वीरू की मम्मी, वीरू की वजह से पहचान हमारी बन गई। नहीं, वीरू की जगह कोई नहीं ले सकता। वो एक अपना बच्चा है, ये पूरा दिन मेरे साथ रहता है, ये घर में साथ में ही रहता है, वो स्पेशल है ना। बच्चों का तो सब मनाते, इसका तो कोई मनाता है। साल भर में ये बेचारा हमसे कोई उम्मीद नहीं रखता, कभी किससे भी मांगता नहीं, तो उसके बर्थडे के दिन हम उसे सामने से देते हैं। पूरे साल में हमसे कुछ मांगता नहीं, वो हिसाब से हम उसको एक दावत देते हैं, उसकी हिसाब से पूरी सोसाइटी को दावत देते हैं, परिवार वाले आते हैं सब और खाने का माहौल देते हैं, वो एक बहाना है। दावत है जस्ट बहुत। मेरे 2 भाई है, एक वो है यहाँ पे और एक ही है, 2 भाई है मेरे, इसको मैं राखी भी बांधती हूँ। 2 नो 2 नो। मैं तो अगर चाहूँ तो मैं तो इसको दहेज में भी लेके जाऊँ पर अभी इतना रहेगा नहीं, बस ये है कि वो बहुत स्पेशल। पर आप घर पे आते हो तो आप अकेला महसूस नहीं करते हो, अगर कोई भी ना हो, वो उसके साथ बातें भी कर सकते हो, आप उसके साथ सब शेयर भी कर सकते हो,
मतलब भाई से कम नहीं है, वो भाई है मेरा।